ग्राम पंचायत बरगोहना खुर्द में आवेदन लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी प्रधान व सेक्रेटरी ने दूसरे बच्चे का किया चयन। प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत से टाल मटोल करते हुए 1 सितंबर को लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी गौरव कुशवाहा का हुआ चयन। कौंधियारा ब्लॉक से चस्बा लिस्ट में गौरव कुशवाहा का नहीं है मेरिट लिस्ट में नाम, फिर भी हो गया चयन। कौंधियारा ब्लॉक के बरगोहना खुर्द में आवेदनकर्ताओं ने लगाया धांधली का आरोप, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कौंधियारा ब्लॉक में अमित पटेल जो कि सबसे मेरिट में आगे थे, उनका नहीं हुआ चयन। अमित पटेल के परिवार वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लॉक में शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। शिकायत कौंधियारा ब्लॉक में हुई दर्ज। बरगोहना खुर्द का चयन प्रक्रिया जो कि उच्च अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल, पीड़ित अमित पटेल ने मांगी है न्याय की गुहार और सही एवं लिस्ट मेरिट बेस के हिसाब से रखा जाए डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया। प्रधान व सेक्रेटरी ने जिसका चयन किया है उसका नाम गौरव कुशवाहा है और गौरव कुशवाहा के परिवार से ग्राम सभा में सदस्य हैं। इसकी हो पूर्ण रूप से जाँच। प्रयागराज कछना तहसील क्षेत्र के कौंधियारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बड़गोहना खुर्द का यह पूरा मामला है। आइए हम आपको बताते चले कि वहां पर डेटा ऑपरेटर की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, ऐसा मामला कौंधियारा ब्लॉक के किसी भी गांव में नहीं हुआ है। यहां पर आवेदन करने वाले बच्चों ने ब्लॉक में आवेदन पत्र जमा करने के बाद ब्लॉक से मेरिट लिस्ट बनकर आई थी, जिसमें अमित पटेल पुत्र भगवत पटेल निवासी बरगोहना खुर्द का सबसे ज़्यादा प्रतिशत था और बच्चे अमित पटेल से नीचे थे। लेकिन प्रधान व सेक्रेटरी ने एक ऐसी इतिहास रच दिया कि जो बच्चे का ब्लॉक द्वारा भेजी गई लिस्ट में नाम व फॉर्म जमा ही नहीं था, उसको 1 सितंबर 2021 को प्रधान व सेक्रेटरी कुछ सदस्यों के बीच ही गौरव कुशवाहा को डेटा ऑपरेटर के लिए नियुक्ति कर दिया गया। वहीं देखा जाए तो आवेदन पत्र में एक दिशा निर्देश दिया गया था कि जिस बच्चे का चयन होगा उसके परिवार में कोई भी चाहे प्रधान ग्राम सदस्य हो उसके परिवार का नहीं होगा। लेकिन प्रधान व सेक्रेटरी यह भूल गए कि गौरव कुशवाहा के घर परिवार के लोग ग्राम पंचायत सदस्य भी होंगे। प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत से ही गौरव कुशवाहा का चयन हुआ है, जबकि उसका ब्लॉक से आई हुई लिस्ट में नाम भी नहीं था। लेकिन जब अमित पटेल को घर वालों ने सेक्रेटरी व प्रधान से पूछा कि इसका लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे गौरव कुशवाहा का चयन होगा, तो प्रधान शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि गौरव कुशवाहा का फॉर्म हमारे पास पहले से ही जमा था, इसी वजह से होगा। तब अमित पटेल के चाचा ने कहा कि आप इनका फॉर्म ब्लॉक स्तर पर क्यों नहीं दिए, तो वहाँ बोले अधिकार है कि मैं चयन होने के समय फॉर्म सबमिट कर सकता हूं और वह लोग गौरव कुशवाहा का चयन कर दिए। लेकिन ब्लॉक से जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें सबसे टॉप पर अमित पटेल का नाम था। इस चयन प्रक्रिया से गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और पीड़ित अमित पटेल के परिजनों द्वारा ब्लॉक के उच्च अधिकारियों को प्रधान व सेक्रेटरी के इस चयन प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत पत्र दिया गया है। और पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि बरगोहना खुर्द में डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जांच हो और सिर्फ आवेदनकर्ता का ही चयन होना चाहिए, जिसका ब्लॉक की सूची में नाम नहीं है उसका चयन नहीं होना चाहिए। अब देखना है कि अगर यह पीड़ित अमित पटेल के परिवार वालों की कहां तक सुनवाई होती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राम बाबू पटेल की खास रिपोर्ट। हमारे गाँव में सहायक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी निकली हुई थी, उसी की भर्ती के संबंध में बताना चाहता हूँ। तो लड़के फार्म डाले हमारे गांव में, 22 फार्म में आए और सेक्रेटरी ने 2 बार टाइम दिया चयन के लिए सेक्रेटरी और प्रधान ने। तो हमारे घर का भी एक सदस्य था, उसका नाम अमित पटेल था। ब्लॉक से वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा गया कि उसका नंबर सबसे हाई था। तो हमारे गांव के एक अरविंद कुमार नाम के महाजन, महाजन कहते हैं, उनकी पतोहू का नंबर दूसरे स्थान पर।
तो 2 दिन उन्होंने लगातार प्रेस डाला कि ये आप अपना वापस लीजिए तो हमारे बहू का चयन हो जाए। हम लोगों ने कहा कि क्या ऐसा आपका पहले स्थान पे होता था करते, कहे नहीं। तो सेक्रेटरी ने फिर आश्वासन दिया कि अमित का हुआ है और उसी को होना है। मीटिंग रखा, मीटिंग में नहीं आए। 2 बार ऐसा सेक्रेटरी ने किया। हम लोग गाँव भर कई लोग, हम और गांव के सदस्यगण स्कूल पर गए जहाँ मीटिंग होना था। 3 बजे तक इंतजार किया, उन्होंने नहीं आए। उसके बाद कल 31 तारीख को फिर गए तो नहीं आए। कल 1 तारीख को उन्होंने लगभग 2:30 बजे गांव के कुछ लोगों को बुला करके मीटिंग रखा और दूसरा फार्म लेकर के 22 के अलावा एक दूसरा फार्म गौरव कुशवाहा का लेकर के, जिनका नाम भी लिस्ट में नहीं था, वो लिस्ट हमारे पास भी है भी, और उसका चयन कर दिया। जब हम लोगों ने उनसे कहने लगे तो कहें भाई ये फार्म जो है ग्राम प्रधान के पास पहले से जमा था, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं थी। ग्राम प्रधान ने परसों वो लड़का कानपुर में रहता है उसका वहाँ से मार्कशीट मंगा करके और पथराहा पर फोटो स्टेट निकलवा करके लगा करके ऐसा धामी कर दिया अधिकारियों को। भाई यहाँ तो केवल सेक्रेटरी के द्वारा होना था, सेक्रेटरी और प्रधान के द्वारा। हम लोगों ने जब सेक्रेटरी से बात किया तो कहे आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, मैं कैंडिडेट की आवश्यकता, केवल हमारे और सदस्यों के द्वारा होना है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भर्ती हुई है इसको कंसीडर करके नियमानुसार जो जितने लड़के फार्म डाल से उन्हीं में से किया जाए लिस्ट के आधार पर। उसका नंबर हाई जरूर है लेकिन अवैधानिक रूप से आए, उसे तो बहुत से लड़के आएंगे जो कि इनसे अधिक मेरिट वाले हैं, लेकिन जो वैकेंसी में फार्म डाले उन्हीं में से होना चाहिए। आपका क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? हमारा नाम अरविंद प्रसाद सिंह है, मैं बघुना खुद का निवासी हूँ। धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, वो ग्राम सचिव, ये ग्राम सहायक सचिव की वैकेंसी गांव में आई थी, जिसका डेट जिसका आवेदन करने की तिथि, फॉर्म आवेदन करने की तिथि 2 से 17 तारीख तक थी, और 2 से 17 तारीख तक में जितने भी फॉर्म जमा हुए हैं उसकी ब्लॉक में सूची बनाई गई, जिसमें से 22 फॉर्म पड़े थे, जिसमें मेरा डबल था, मेरा फॉर्म 1 निरस्त हो गया। तो जब सूची बनाई गई तो उसमें अमित पटेल, सर नाम भगवत पटेल का पहले नंबर पे मेरिट था परसेंटेज के आधार पे। तो सेक्रेटरी से बात हुई, वो बोले अमित पटेल का सबसे पहले नंबर है, उन्हीं का होगा। और पहला बैठक रखा गया था 28 तारीख को, लेकिन धांधलेबाजी करने के लिए 28 तारीख को ये बैठक रद्द कर दिया गया। प्रधान जी बोले कि मैं अभी नैनी हूँ, जबकि घर पर थे। और सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, बोले थे 28 तारीख को 2:30 बजे मीटिंग चलेगी, लेकिन जब मैंने 3 बजे फ़ोन किया तो वो बोले कि अभी प्रधान नैनी गए हुए हैं, दूसरे दिन होगा। फिर मीटिंग रखा गया 31 तारीख को, और 31 तारीख को भी अमित पटेल के घर के लोग सदस्य वहाँ पर वेट कर रहे थे मीटिंग के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन उस दिन भी मीटिंग टाल दिया गया। और फिर बिना सूचना के 1 तारीख को प्रधान और कुछ लोगों के द्वारा मीटिंग किया गया, जिसमें से उस ब्लॉक से जारी की गई सूची के अलावा क्या नाम था, गौरव कुशवाहा, इनका नाम ब्लॉक से जारी हुई सूची में, जो ब्लॉक में सूची चिपकी हुई है उसमें नाम है ही नहीं, लेकिन वो 1 तारीख को जल्दी से फॉर्म तैयार करके अमित पटेल के स्थान पे उनका चयन कर दिया गया। तो हम चाहते हैं जैसे हर एक गांव में लिस्ट के आधार पे ये ग्राम सहायक सचिव का चयन हुआ है, तो ग्राम बड़गोहना खुर्द में जो लिस्ट के में सूची बनी हुई है उस आधार पर चयन हो, तब जा कर के ठीक न्याय होगा। वैसे ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या नाम है? मुझे तो वो सेक्रेटरी अभी तक मुझसे कई बार बोले कि अमित पटेल का होगा, लेकिन जिस दिन मीटिंग थी उस दिन डायरेक्ट फैसला किया कि अमित पटेल का नहीं होगा, गौरव कुशवाहा का होगा। ये तो सरासर धांधली लगती है। आप लोगों का नाम क्या है? जी मैं प्रभाकर सिंह, मैं भी आवेदन किया हूँ, मेरा 3रा नंबर था सूची में। ऐसे कितने छात्र हैं जिनको ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया गया है?
जी वो आवेदन मुझे भी नहीं सूचित किया गया और तो मैं नहीं जानता और जितने भी लोग डाले थे फॉर्म भी सूचित नहीं किया गया, भी फॉर्म डाले थे धीरेन्द्र सिंह मेरा नाम है, सानाब जोखोलाल सिंह, और गांव ग्राम पंचायत के मात्र दो सदस्य वहां पे उपस्थित थे, उन्हीं के बीच में मीटिंग हुई है, बाकी सिग्नेचर करवा लिए हैं। मेरा नाम प्रभाकर सिंह। ठीक ठीक हो गया। हमारा कृष्ण प्रताप सिंह। कृष्ण प्रताप सिंह, आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि हमने जब फॉर्म आवेदन किया था तो लास्ट डेट में आवेदन किया था, उसके जब लिस्ट भी आउट हुई तो उसमें जो है अमित पटेल का नंबर सबसे ज़्यादा था, और लिस्ट आउट होने के बाद हम सिक्योरिटी से मोबाइल से बात हुई तो वो बोले कि बड़गोहना कला में जायसवाल कोई है और बड़गोहना खुर्द में जो है अमित पटेल का है। अभी ये दो दिन बैठक के दो दिन पहले तक बात हुई तो यही बार बार रिपीट कर रहे थे, लेकिन जब खुली बैठक हुई तो उस बैठक में अचानक गौरव कुशवाहा का जो है फर्स्ट मतलब प्रथम मेरिट पे उनका जो है फॉर्म कैसे शामिल कर दिया गया, ये प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा किया गया होगा। हाँ तो मतलब कि क्या मतलब राय थी उन लोगों की, कैसे किए? मतलब ये तो प्रधान भी अमित से मिले थे, कह रहे थे कि आपका है फर्स्ट पे है, आप अगर न करना चाहें तो सरदार शुक्ला का हो जाए। प्रधान जी क्या नाम है? शैलेन्द्र तिवारी जी। शैलेन्द्र तिवारी जी, और उसके बाद जो है और सरदार शुक्ला जिनके घर के हैं उनके घर के भी हम आके मिले थे, नहा के हमारे हमसे कह रहे थे, व्यक्तिगत कह रहे थे कि दो ही लोगों का है सेकंड फर्स्ट पे, अगर फर्स्ट ना करें तो उनका हो जाएगा सरदार शुक्ला का। तिवारी कहीं प्रधान जी आपको कहीं पैसे वैसे नहीं लिए कर दिए एक बगा उनको? अब ये तो हम नहीं बता सकते, तो गोपनीय चीजें हैं। अच्छा, जिनका किए हैं उनके घर के सदस्य भी हैं। अपना नाम बताइए। किसका? अपना नाम बताइए। कृष्ण प्रताप सिंह। गांव? बड़गोहना खुर्द। थाना? कौंधियाराम। ब्लॉक? कौंधियाराम। जिला? प्रयागराज।